हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अपने चेहरे को खूबसूरत, सुंदर, कोमल और बेदाग रहित बनाना हम सभी की चाहत होती है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल। हर कोई अपने चेहरे को खूबसूरत, रिंकल फ्री, पिगमेंटेशन फ्री, फाइन लाइंस फ्री बनाना चाहता है। बहुत कम उम्र में आजकल लोगों को झाइयाँ होने लगी हैं, लूज स्किन की समस्या होने लगी है, स्किन की डलनेस बढ़ गई है, डार्कनेस बढ़ गई है, ब्लैकनेस बढ़ गई है, कोई भी फेयरनेस नहीं है चेहरे पे। आज जो मैं रेमेडी आप सभी लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, उसको मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है, इंस्टेंट मुझे ग्लो चाहिए अपने फेस पे या अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सूदिंग करना है, तो मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को बनाना। सो गाइस, आपको यहाँ पे लेना है कोई भी कंटेनर, आप यहाँ पे ले लीजिए, यानी कि बोल लेना है आपको, एंड कोई भी आप बोल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको ऐड करना है हल्दी। मैं यहाँ पे कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास आमा हल्दी हो, आभा हल्दी हो, कस्तूरी हल्दी हो, वो लीजिए, नहीं तो आप किचन वाली हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिंच ऑफ हल्दी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है अभी। हल्दी एंटीसेप्टिक गुण से भरपूर होती है। हल्दी में इतने अच्छे गुण पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर से निखार को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ किसी भी तरीके से दानों को, मार्क्स को पूरी तरीके से दूर कर देता है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है कोलगेट, यानी कि कोलगेट पेस्ट, जो कि हम पेस्ट करते हैं एज अ टूथब्रश। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोलगेट क्यों यूज़ कर रही हूँ, भाई कोलगेट का इसमें क्या काम, क्योंकि कोलगेट तो हम यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि कोलगेट बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। स्किन में लिप्स के लिए, फेस के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत होती है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ ये आपके चेहरे को गुलाबी यानी कि पिंक फेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लास्ट में आपको इसमें ऐड करना है शैम्पू। अब आप ये भी सोच रहे होंगे शैम्पू क्यों इस्तेमाल करना है, इसे तो हम बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल गाइस, हम बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शैम्पू का इस्तेमाल फेस के लिए भी किया जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। ये आपके पोर्स को पूरी तरीके से क्लीन करके ब्लीच कर देता है, यानी कि ब्लीच जो आपकी स्किन को अंदर से पूरी तरीके से साफ़ सुथरा करके स्किन को बहुत ज़्यादा फेयरनेस प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा गोरा कर देता है, बिल्कुल वही काम शैम्पू करता है। शैम्पू आपके पोर्स को पूरी तरीके से क्लीन कर देता है और आपकी स्किन में रंगत को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। आपको एक चौथाई चम्मच यहाँ पे शैम्पू लेना है, आप चाहें तो आधा चम्मच भी ले सकते हैं यहाँ पे शैम्पू। शैम्पू ऐड करने के बाद आपको एक चम्मच इसमें पानी ऐड करना है, ताकि हम इसे अच्छे से, इसकी जो पेस्ट है उसको हम रेडी कर सकें। ये जो नुस्खा है दोस्तों, वो मैं हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे पे, क्योंकि कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है और हमें कहीं बाहर जाना है और इंस्टेंट चेहरे पे ग्लो चाहिए, तो मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। सो मेरे कहने पे एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सूदन हो जाएगी एंड इसके अलावा स्किन में एक फेयरनेस टच आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। नॉर्मली आप जो आपका फेस है उसे कहीं ज़्यादा ग्लो करेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये आपके किसी भी तरीके की डार्कनेस है, ब्लैकनेस है चेहरे पे, उसको पूरी तरीके से फर्स्ट बार में ही ख़त्म कर देगा। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लिक्विड है ये, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी मैं और ऐड कर रही हूँ इसमें, यानी कि पूरा टोटल यहाँ पे आपको आधा चम्मच के करीब हल्दी का इस्तेमाल करना है, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए। और अगर आप कस्तूरी हल्दी या आभा हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे में कोई भी पीलापन नहीं आएगा।
इसके अलावा इसमें कोलगेट एंड शैम्पू जो इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से भी इसमें पीलापन आपके चेहरे पे नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस वजह से भी इस्तेमाल नहीं करते कि हमारा चेहरा पीला हो जाता है, सो गाइस इस पीला नहीं होगा। सो चलिए इसे अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं चेहरे पर। चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले आपको मेकअप नहीं लगाना है, पूरा चेहरा अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए, फेस वॉश कर लेना है आपको अच्छे से, और आपको इसे अपने अंडर आइज में भी नहीं इस्तेमाल करना है। इसे अपने पूरे चेहरे पे मसाज करते हुए लगाना है, यानी आपको लगाने के दौरान साथ ही साथ मसाज भी करना है अपने पूरे चेहरे की। कोलगेट जो होता है यानी कि टूथपेस्ट, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत होती है। ये आपकी स्किन को हील करता है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ये आपकी स्किन को निखारने में, आपकी स्किन की फेयरनेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको इसे अपने पूरे चिक एरिया में, चिन एरिया में, फोरहेड एरिया में अप्लाई करना है, और कम से कम 10 से 15 मिनट आपको मसाज करनी है, या 5 से 10 हार्डली आप इसे मसाज करके अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से आपको वॉश कर लेना है यहाँ पे। सो गाइस मैं यहाँ पे इसे अपने पूरे चेहरे पे लगा ले रही हूँ इस तरीके से, और मसाज करते हुए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। सो इसे अच्छे से अप्लाई करके मैं आपको मिलती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट अपने चेहरे को वॉश करने के बाद। सो गाइज यहाँ पे चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लिया है, वॉश कर लिया है। सो आप देख सकते हैं मेरा फोरहेड एरिया, मेरा चिक एरिया कितना ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, कितना ज़्यादा वाइट हो गया है, एंड इसके अलावा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। यकीन मानिए गाइज ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है स्किन को कि ऐसा लगता है कि चेहरे पे क्या अप्लाई कर लिया है, ना पार्लर गए हैं ना फेशियल करवाया है, तो ऐसा क्या अप्लाई किया जिससे कि स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और इतनी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। सो आपको इसे फ्रेश फ्रेश बनाना है, इस्तेमाल करना है जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, इंस्टेंट ग्लो चाहिए, निखार चाहिए, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो, यूनिक लगी हो, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।